केमिकल से बनाए जाने वाली नकली दूध से जुड़ा मामला यूपी के संभल जिले का हयातनगर थाना का है। बीती रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम गोद के जंगल में बंद पड़ी मेहता फैक्ट्री में केमिकल से नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर मौके से चार लोगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में नकली दूध के अलावा उपकरण बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करीब 6 महीने से नकली दूध बनाने का कारोबार कर रहे थे। ये लोग केमिकल से नकली दूध बनाकर इसके सप्लाई बुलंदशहर, बिजनौर सहित तमाम जिले में कर रहा था और साथ ही ये भी बताया कि इनके पास से भारी मात्रा में मिलावटी दूध, केमिकल्स आदि बरामद किए हैं। फिलहाल मास्टरमाइंड सहित सभी चारों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि संभल जिले में लंबे समय से मिलावटी दूध का कारोबार चल रहा था, लेकिन खाद्य विभाग इस मामले में पूरी तरह से आंख बंद किए बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आम जनता मिलावटी दूध पीने को मजबूर है। फिलहाल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से मिलावटी खोरों में हरकंप मचा हुआ है। ये संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र में ग्राम गोहत में एक मेंथा की बंद फैक्ट्री थी, जो वीर सिंह की फैक्ट्री थी, वहाँ पे सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस ने दबिश दिया तो वहाँ पे भारी मात्रा में केमिकल पदार्थ मिले, ड्रम मिले और इसमें जो मिलाने वाले पाउडर हैं वो सब मिले, उनको वहां से रिकवर किया गया है। इसी में चार व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसका मास्टरमाइंड जो है प्रमोद वो भी गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ में वहां पे 11 ड्रम रिफाइंड आयल और 23 किलो पाउडर सफ़ेद पीला और 17 सफ़ेद केमिकल बोतल, ग्लूकोज सिरप, रिफाइंड आयल और ये काशीपुर से लेकर आते थे ये सारी चीज़ें और यहाँ पे मिला करके उसको नकली दूध बनाते थे और एरिए में सप्लाई करते थे, आसपास के जिलों में बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा आदि क्षेत्रों में सप्लाई करते थे और भारी मात्रा में नकली सिंथेटिक दूध बना करके सप्लाई करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, इनसे भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, इनके साथ अब विधिक कार्रवाई की जाए। संभल से दस्तक टीवी के लिए सरफराज अंसारी की रिपोर्ट।